Assalamualaikum, I am Veena Danish. Welcome to another video. आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम रीसेलर सर्टिफिकेट किस तरीके से फिल करते हैं। जब हम होलसेल FBA के मॉड्यूल पे वर्किंग करते हैं तो बहुत से सप्लायर आपसे सेलर परमिट तो मांगते ही हैं, लेकिन बाद सप्लायर जो होते हैं वो आपसे रीसेलर सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। जिस स्टेट में आप सेल्स टैक्स रजिस्टर हैं तो वो आपसे उसका फॉर्म भी मांगते हैं। अगर आप नोएडा में हैं, कैलिफोर्निया में हैं, जहाँ पर भी आप सेल्स टैक्स रजिस्टर हैं, तो वहाँ का आपको सेल टैक्स फॉर्म जो है वो फिल करके उनको सेंड करना होता है। हर स्टेट का फॉर्म डिफरेंट होता है। आप सिंपल उनकी वेबसाइट पे जाकर या गूगल सर्च करेंगे तो आपको जो है वो हर स्टेट का फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म को जो है मैं smallpdf.com के ज़रिए एडिट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं जो है ये टेक्सास स्टेट्स का जो वी सेलर सर्टिफिकेट है वो फिल कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि नेम ऑफ परचेजर, फर्म और एजेंसी एज शोन ऑन परमिट। यहाँ आप अपनी या अपने क्लाइंट की कंपनी का नेम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक, इसके बाद यहाँ आप अपनी कंपनी का एड्रेस या अपने क्लाइंट का स्ट्रीट एड्रेस जो होगा वो लिखेंगे। यहाँ पर आप सिटी में कोई जो भी आपका स्टेट है, जिस भी कंपनी जो भी आपकी कंपनी है वो किस सिटी में है, किस स्टेट पे है, उसका ज़िप कोड क्या है वो यहाँ लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिटी में मैं ऑस्टिन, बाद स्टेट आ जाएगा, बाद आप ना ज़िप कोड ऐड कर देंगे। यहाँ नीचे आप देखें टेक्सास सेल्स एंड यूज़ टैक्स परमिट नंबर, ठीक है, जो कि 11 डिजिट पे होता है। आपका जो सेल्स टैक्स परमिट फॉर्म होगा, जो भी आपको वहाँ से लीगली आपका सेल्स टैक्स परमिट इशू हुआ होगा, उस पर 11 डिजिट का एक नंबर होगा जिसको टैक्स पेयर नंबर भी कहते हैं, वो यहाँ हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद इसको आप ऐसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट पे ये पूछ रहे हैं कि आई द परचेजर नेम्ड अबव क्लेम द राइट टू मेक अ नॉन टैक्सेबल परचेजर्स। आप जिस सप्लायर ने आपसे ये फॉर्म मांगा है आप उसका यहाँ पर नाम दे देंगे। इसके बाद सप्लायर का स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पर आएगा। इसी तरह यहाँ पर जो भी सप्लायर का सिटी, स्टेट और कोड है वही आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद आपने अपनी सप्लायर की वेबसाइट्स पे आपका इंटरेस्ट किन कैटेगरीज में है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पैट सप्लायर, होम एंड किचन, टॉयज एंड गेम्स, एक्सेट्रा।
इसके बाद ये यहाँ पूछ रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जर्नली इंगेज इन और टाइप ऑफ आइटम नॉर्मली सोल्ड बाय द परचेजर। हम किस कैटेगरी में वर्क करते हैं और वो ये हमसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपनी जो कैटेगरीज हैं, हम तो अगर हम जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो हम तकरीबन सारी कैटेगरीज में काम करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ अपनी कुछ कैटेगरीज उनको मेंशन कर देंगे। इससे ये होगा कि उनको पता चल जाएगा कि हम किन कैटेगरीज में हैं और वो कैटेगरीज अगर इनके पास होगी तो फिर ये हमको और कर देंगे, रेफ़र कर देंगे। जो कैटेगरीज हमने इनमें डाली हैं वो तो डालनी ही हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हम इनको बता देते हैं कि इसके अलावा हम आउटडोर एंड ऑफिस सप्लायर के अलावा एक दो कैटेगरीज हम और इनको मेंशन कर देंगे। बस इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के आइटम्स में तो हम स्टार्ट में जाते ही नहीं है, बस सिंपली जो है हम इन कैटेगरीज में ही स्टार्ट में वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो ये हम इनको मेंशन करने के बाद यहाँ नीचे जो है ये सिग्नेचर आएंगे। अब सिग्नेचर्स की इन्होंने फॉर्म दी हुई हैं, इस तरीके का आपने आपने सिग्नेचर करना है या नाम लिखना है या टैक्स में करना है, तो जो भी आपने सिग्नेचर करना है उसको आपने यहाँ पर कर देना है, ठीक है। अब जैसे ये सिग्नेचर यहाँ पर इस तरीके से आपने करा तो इसको आपने इधर सेट करना है। ये आपने यहाँ सेट करने के बाद यहाँ ये पूछे हैं टाइटल। अच्छा, टाइटल में आप अपना नेम भी शो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एज अ क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का टाइटल भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपने अपना नेम शो कर देना है। इसके बाद जिस डेट पे आपने ये सेंड करना है वही डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, अब आपने ये रीसेलर सर्टिफिकेट आपका रेडी हो चुका है। अब आपने सिंपल यहाँ देखिए, यहाँ पर ये देखिए एक और कॉलम है स्टार्ट में, यहाँ आपने नंबर देना है, जो भी आपका कंपनी का नंबर रजिस्टर्ड हुआ हुआ है वो नंबर आपने देना है, ठीक है। अभी हमारा रीसेलर सर्टिफिकेट रेडी हो चुका है, इसको हमने सेव करना है। इसके बाद सिंपल अगर कोई भी आपके पास सप्लायर आपसे रीसेलर सर्टिफिकेट मांगता है तो सिंपल आपने अगर यहाँ से ज़रूरत पड़े तो यहाँ से कैटेगरीज इनको चेंज कर देनी है जो कि सप्लायर के पास हो, बस इनको चेंज करके और डेट चेंज करके जिस डेट को आपने सेंड करना है वो डेट आपने यहाँ मेंशन करके और ये सेंड कर देना है, ठीक है। यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद हम इसको सेंड कर देंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रीसेलर सर्टिफिकेट हम किस तरीके से फिल करते हैं और कौन कौन सी डिटेल्स इसमें पुट करते हैं। थैंक यू सो मच।